हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज का जो प्लान है वो है सोनू दीदी जो है दूधी का हलवा बनाएगी और हम देखेंगे किस प्रकार बनाती है। आप भी मेरे साथ देखना दूधी का हलवा, सोनू दीदी कैसे बनाती है। और मेरा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है और एक लेक्चर बाकी है, मतलब जो मैं ब्रेकफास्ट के बाद रिटर्न ज्वाइन करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे सोनू दीदी किस प्रकार दूधी का हलवा बनाती है। और ये देखो टीना कैसी वॉशिंग मशीन पर सोई है। टीना उठना, डिस्टर्ब कर दिया मैंने उसे, पर आँख क्या जो है खुली नहीं उसकी। और यार डोरेमोन भी सोया है, दोनों भाई बहन यहाँ ही सोए है। डर गया, बाहर इटली वाला है उसकी आवाज़ से डर गया। डर है, जाने दो, इन्हें सोने देते हैं और हम जाते हैं हमारा ब्रेकफास्ट करने। तो गाइस अब मैं सामान खरीदने आया हूँ, कुछ चीज़ें चाहिए हलवा बनाने के लिए जो घर पे नहीं थी तो दीदी ने मुझे भेजा है लाने। तो मैं फटाफट लेता हूँ फिर घर पे जाता हूँ क्योंकि मेरा लेक्चर भी है जब स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो हुआ नहीं है स्टार्ट। तो मैं पहले चीज़ ले लेता हूँ फिर चले जाता हूँ घर पे। तो मिलता हूँ मैं आपको अभी सीधा दुकान पर। अब हम जो है बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा, तो मैं आपको दिखा दूं कि हम लोगों ने कितनी लौकी ली है। यहाँ पर हमने दो लौकी ली है, एक है मीडियम साइज और एक है स्मॉल साइज। अब इस लौकी का हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो गाइस ये जो लौकी के बीच का बीच वाला पोर्शन होता है इसे हलवे में यूज़ नहीं किया जाता, तो हम इसे अभी निकाल के फेंक देंगे। तो इसका जो आजू आजू का जो पोर्शन था वो हम लोगों ने कद्दूकस करके ले लिया है, तो ये जो बीच वाला है इसे हम फेंक देंगे क्योंकि इसका यूज़ हलवे में नहीं होता। दो लौकी ली थी उसे कद्दूकस करके हो चुका है और यह पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिए। हलवा बनाने के लिए लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले लिए हैं।
और अब सबसे पहले घी में हम थोड़ा सा काजू बादाम को ब्राउनिश होने तक रोस्ट कर लेंगे। गैस पर रखी हुई पैन हमारी हीट हो चुकी है, उसमें हमने थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें हम काजू बादाम ऐड कर देंगे। काजू और बादाम हमारे रोस्ट करके हो चुके हैं। अब इसी पैन में थोड़ा सा घी डालकर लौकी का कद्दूकस जो है वो हम डाल देंगे। पैन में हमने 1 से 2 चम्मच घी डाल दिए। और अब इसमें लौकी का कद्दूकस ऐड कर दिया। अब इस कद्दूकस को पैन में पूरा पानी सूखने तक हम चम्मच से हिलाते रहेंगे। यहाँ पर दीदी को जो है कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो वो अपने सहेली के साथ बाहर चली गई है। तो अब यहाँ से आगे की रेसिपी जो है मैं ही हैंडल करूँगा और मैं ही बनाऊंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे लौकी का जो पानी सूख गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और उसे भी सुखाएंगे। तो अब जो है मैं इसमें दूध ऐड करता हूँ। अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे और इसे भी सूखने देंगे। तो जब दूध पूरा सा सूख जाएगा हमारी लौकी में, तब हम इसमें हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। गाइस हमने इसमें जो दूध ऐड किया था वो भी अच्छे से अभी सूख चुका है और ये भी अभी अच्छे से एकदम ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो है चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी वाटी लिया हूँ, तो मैं इसमें सारी डाल दूंगा। और जो हमने काजू बादाम जो है रोस्ट करके लिए थे घी में, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से आपको हम मिला देंगे। अब गाइस अब हम इसमें थोड़ा सा जो इलायची पाउडर डालेंगे, जो ये इलायची पाउडर हमने कूट के रखी थी, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा ये मावा डालेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट करके हमारा जो हलवा है तैयार हो जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमारा ये मावा ऐड करते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके मेल्ट कर लेंगे मावे को। मावे से क्या टेस्ट ज़रा अच्छी आती है। गाइस हमारा हलवा जो है बन चुका है और अब हम इसे थोड़ा सा इसमें ठंडा करके रख देंगे। इसको झाक कर रख देंगे थोड़ा देर, ढक कर, फिर हम इसे खाएंगे थोड़ी देर बाद। खुशबू सच्ची में बहुत अच्छी आ रही है।
इलायची की जो खुशबू है वो अच्छे से छोड़ रहा है हलवा। तो हमारा हलवा रेडी है, अब हम थोड़ी देर के बाद इसे खाएंगे, हम इसे गार्निश करेंगे थोड़ी देर बाद। जो है इसे गर्म इसी में रहने देंगे, जो हमारा वहाँ मावा है का बचा होगा वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो गाइस हमारा लौकी का हलवा जो है तैयार है, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इसे मैंने गार्निश किया है। इस पर गार्निश करने के लिए मैंने थोड़े से काजू बादाम जो काटे थे उस थोड़े से ऊपर से डाल दिया है, और जो मावा है उसे भी मैंने इस पर डाल दिया, और जो अच्छे से तैयार हो गया है हमारा लौकी का हलवा। तब हम इसे थोड़ी देर के बाद टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा बना था। गाइस अब जो हमारा लौकी का हलवा तैयार हो चुका है आपको तो मैं दिखा चुका हूँ, अब मैं उसको मौसी को टेस्ट कराऊंगा हमारा लौकी का हलवा। मम्मी ने तो टेस्ट कर चुका, दीदी भी आ गई थी, दीदी ने भी टेस्ट किया, दीदी को भी पसंद आ चुका है। अब मौसी की बारी, अब मौसी को दिखाता हूँ कि कैसा लगा। मौसी जल्दी आ जाओ, और अब मौसी की बारी, अब मौसी बताएगी कैसा बनाए फटाफट। मौसी सच्ची में तो मौसी का भी पसंद आ चुका है, सब एकदम बैलेंस में एकदम बराबर। तो अब मेरी बारी, अब मैं खाऊंगा। तो गाइस अब मेरी बारी, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। सच्ची में अच्छा बना है, एकदम मीठा, सच्ची में बैलेंस एकदम बराबर, मस्त बना है। फर्स्ट टाइम बनाया था, अच्छा बना है, आप भी टेस्ट करना कभी बना के। तो अब गाइस मैं एक का वीडियो कॉल आया था तो हम लोग बात कर रहे थे। मैं खाकर तो अब मैं कह रहा हूँ कि बात चल रही है, तो आप बाद में मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस हमारा खाना तैयार है, और आज खाने में आलू की सब्जी और रोटी, और आज हम यहाँ बेड पर बैठ कर खाऊंगा मैं खाना। तो मैं फटाफट खाना फिनिश करता हूँ, उसके बाद मुझे एडिटिंग भी है, तो अब मैं खाता हूँ खाना, आप भी खाओ, आ जाओ खाना खाने। तो गाइस मम्मी ने कुछ कल के नाश्ते के लिए इडली की प्रिपरेशन की है, तो कल हमारे नाश्ते में इडली होगी, तो मैं दिखाता हूँ आपको, उसका भी हमें पीसना भी है। तो ये कुछ चावल भिगो के रखे थे सुबह, और नीचे जो है उड़द दाल है इसे भिगो के रखे थे। तो कल हमारे नाश्ते में इडली होगी और मैं डोसा बनाऊंगा, मुझे डोसा एकदम परफेक्ट गोल आता है, कल मैं आपको दिखाऊंगा भी, और बस नाश्ते में इडली होगी, मजा आएगा, कल खाएंगे। तो गाइस हमारी नाश्ते की प्रिपरेशन हो चुकी है, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यही एंड करता हूँ, और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। गुड नाइट गाइस, बाय।